Hello everyone, very good morning. So today we are going to start with new act, the Indian Partnership Act 1932. So इसको continue करने से पहले, जैसे sections पे चलने से पहले, इसकी कुछ brief introduction मैं आपको देना चाहता हूँ. जो Indian Partnership Act है, ये अपने आप में itself बनने से पहले कहाँ दिया जाता था, ये Indian Contract Act का एक हिस्सा हुआ करता था. Chapter number 11 of Indian Contract Act 1872, section number 239 to 266. ये जो sections हैं, ये जो chapter हैं, ये पहले Indian Contract Act 1872 का हिस्सा हुआ करते थे. फिर उसमें कुछ amendments करने की जरूरत पड़ गई, कुछ उसके अंदर एक enhance करने के लिए, जैसे जैसे with the diversity, with the expansion of time, जैसे जैसे सोसाइटी चेंज होती गई, उसके अंदर हमें कुछ ना कुछ चेंजेस लाना पड़ा. पार्टनरशिप एक्ट के अंदर सोसाइटीज और ज्यादा जो है स्मार्ट होती गई, समझदार होती गई, पार्टनरशिप एक्ट के बेनिफिट लेती गई. तो कुछ चीजें ऐसी थी जो वहां मिसप्लेस थी, जिसके लिए सोसाइटी या जो भी पार्टनरशिप में एंटर करना चाहते थे उनको पूरी प्रोविजन नहीं मिलती थी या कहीं ना कहीं लैक होता था. तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए उनके पास दो ऑप्शन थे, या तो वहीं पर ही अमेंडमेंट किया जाए, या फिर सारा कुछ वहां से उठा के जो जो चीजें अमेंड करनी है, जो जो चीजें नई लॉन्च करनी है, जो जो न्यू चीजें इसमें इनेक्ट करनी है, वो चीजें एक इकट्ठी करके, सारा कुछ मटेरियल इकट्ठा करके एक अलग से एक्ट बना दिया जाए. तो ये पर्पज था कि जिस करके इंडियन पार्टनरशिप एक्ट को अलग से उन्होंने 1932 के अंदर लॉन्च कर दिया, इन्फोर्स कर दिया. तो अब हम एक चीज देखेंगे. मेरी फर्स्ट कंडीशन ये है कि आप अपने साथ बेयर एक्ट जरूर लेके बैठें, क्योंकि जब हम जुडिशरी या किसी भी एग्जाम रिलेटेड टू PCSJ कोई भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, जहाँ पे हमारा पार्टनरशिप इज अ सब्जेक्ट, तो वहाँ पे सबसे बड़ी रिक्विजिट हमारे लिए क्या है कि हमारे पास हमारे हाथ के नीचे पेन और बेयर एक्ट जरूर होना चाहिए. क्यों? बिकॉज अगर हम बेयर एक्ट के साथ फ्लो बना के चलेंगे ना, तो बेयर एक्ट हमारे माइंड में स्टिक होना शुरू हो जाएगा. बेयर एक्ट हमें छप जाएगा हमारे माइंड में, कौन सी चीज कहाँ लिखी है. एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार, छह बार, 10 बार पढ़ डालिए, मैं गारंटी लेता हूँ ये बेयर एक्ट आपके माइंड से कभी जाएगा ही नहीं. लेकिन फर्स्ट कंडीशन ये है, मैंने जो आपको स्लाइड शो दिया हुआ है, जस्ट एक ये है कि आपको मैं समझा सकूं, बट मेरा मेन कंसर्न ये है कि आप अपने साथ बेयर एक्ट, एक खाली कॉपी और एक पेन अपने हाथ में जरूर रखिए, और साथ के साथ नोट डाउन करते जाइए मैं क्या क्या आपको बोलता जा रहा हूँ. अब आप अपने बेयर एक्ट में सबसे पहले देखेंगे, यहाँ पे मैं भूल गया हूँ लिखना, प्रियम्बल. किसी भी एक्ट का सबसे जो एक निचोड़ होता है, जो एक बेस होता है, वो उसका प्रैम्बल होता है. उसकी बॉडी क्या होती है? एक प्रैम्बल होता है. उस प्रैम्बल से ही हमें पता लगता है वो एक्ट कैसा है. ठीक है, जैसे हमें देखना होता है ना कि कोई भी चीज़, हम कोई भी सब आइटम देखते हैं, तो हम उसके ऊपर उसके बारे में देख डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं. अच्छा अच्छा ये ऐसा है, ये ऐसा है, इसके इंग्रेडिएंट्स ऐसे हैं. तो सब उसी में यही कंडीशन आ जाती है कि जो ये एक्ट है, इसका एक प्रैम्बल होता है. हम सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन का प्रैम्बल नहीं होता, हम कई लोग, कई बच्चे जैसे जो जुडिशरी में एंटर करने से पहले उनको यही पता होता है जो सेमेस्टर से निकल के आते हैं, कि प्रैम्बल सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन का होता है. नहीं, जो प्रैम्बल है वो हर एक एक्ट का भी प्रैम्बल अपना सेपरेट होता है. तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट को शुरू करने से पहले इसका एक आप प्रैम्बल चेक कीजिए, बेयर एक्ट जरूर रखिए अपने हाथ में, और जो जो मैं चीजें पढ़ता जा रहा हूँ आप उसको मार्क करते जाइए और लिखते जाइए. आगे आगे जैसे जैसे स्क्रीन स्लाइड्स चलती रहेंगी उसमें मैं मार्क करता जाऊंगा, बट मैं यहाँ पे प्रैम्बल लिखना भूल गया हूँ. तो प्रैम्बल कहता है, एन एक्ट टू डिफाइन एंड अमेंड द लॉ रिलेटिंग टू पार्टनरशिप. तो ये वाला जो एक्ट है ये किस लिए है? ये डिफाइन कर रहा है एंड अमेंड कर रहा है. डिफाइन मतलब कि इसके बारे में आपको एक बता रहा है, एक सब्सटेंस दे रहा है आपको कि ये एक्ट कहना क्या चाहता है, उसमें सारी चीजें आपको हेयर एंड आफ्टर दी गई हैं. और अमेंड, अमेंड का मतलब क्या कह रहा है कि वहां से उठा के जो चीजें उनको लग रही थी कुछ चेंजेस करने हैं, कुछ उसके अंदर एनहांसमेंट करनी है, उन चीजों को अमेंड करने के बाद इस कॉन्ट्रैक्ट, इस पार्टनरशिप एक्ट के अंदर डाल दिया गया. होप आपको इतनी सी चीज, ये जो क्रक्स था, ये समझ आ गया हो. तो अब नेक्स्ट हम चीज क्या पढ़ने वाले हैं कि प्री में ना हमारे को सबसे पहले ये चीज जरूर पूछी जा सकती है, और कई बार पहले प्रीवियस पेपर भी आप उठा के देखिए, कई बार जैसे हरियाणा में पूछी जाती है, पंजाब में पूछी जाती है, राजस्थान में भी पूछी जाती है, और अभी जैसे उत्तराखंड का एग्जाम हुआ उसमें भी डायरेक्ट कई बार प्रीवियस पेपर्स में पूछी गई है. तो सब क्या चीज है, वो है एनफोर्समेंट डेट एंड कमेंसमेंट डेट. तो इस एक्ट का एनफोर्समेंट डेट अगर आप चेक करें तो वो तो आपको नॉर्मली उन्होंने बता दिया कि 8th अप्रैल 1932 है. ठीक है, ये आपको टॉप पे दिया गया आपके बेयर एक्ट के राइट हैंड साइड पे, 8th अप्रैल 1932. तो आप इसको कभी मत भूलिए, ये तो एक ऐसी चीज है
कि आपको हर बेर एक्ट का हर उसका याद होना चाहिए। तो इसका इन्फोर्समेंट डेट क्या है, 8 अप्रैल 1932। सेकेंड, हम अब चैप्टर नंबर 1 दिया है प्रीलिमिनरी, हम शुरू करने वाले हैं। ध्यान से एक वर्ड को ध्यान से सुनते जाइए, प्रीलिमिनरी वर्ड दिया है, ये चैप्टर का सबसे इंट्रोडक्शन बेस होता है कि इस एक्ट के अंदर दिया क्या क्या गया है, हम पढ़ने क्या वाले हैं, या ये एक्ट कहाँ कहाँ लगेगा, या इस एक्ट को बोला क्या गया है, शैल यूज किया है, मे यूज किया है, क्या यूज किया है, इसके कमेंसमेंट डेट क्या है। तो जनरली क्या होता है, कई बार सेक्शन नंबर प्रीलिमिनरीज के अंदर ही दिया जाता है, या कई बार होता है चैप्टर सेक्शन नंबर 2 में भी कई बार कमेंसमेंट डेट दे दी जाती है। तो इसमें अगर आप पढ़े तो इसके अंदर सेक्शन नंबर 1 लिखा है शॉर्ट टाइटल एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट। यहाँ पे एक्सटेंट हो गया है, स्लाइड में आप देख रहे हैं यहाँ पे एक्सटेंट है, ये टी होना चाहिए था, यहाँ पे बाई मिस्टेक डी आ गया। तो इसका लिखा है शॉर्ट टाइटल। शॉर्ट टाइटल आप बेर एक्ट के फ्रंट पे भी देख सकते हैं, वहां भी लिखा होता है। तो शॉर्ट टाइटल क्या है हमारा, द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। ठीक है, उसके बाद एक्सटेंट दिया गया, वो हम अभी पढ़ेंगे, एंड कमेंसमेंट, ये हमारी हेडिंग है। इसके बाद जब आप सबसेक्शन 1 देखते हैं, उसके अंदर लिखा है दिस एक्ट मे बी कॉल्ड द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। आपने बेर एक्ट में से देखा होगा, तो इसमें अंडरलाइन कर लीजिए दिस एक्ट मे बी कॉल्ड। स्लाइड में भी आप देख सकते हैं मैंने मे को अंडरलाइन किया है, दिस एक्ट मे बी कॉल्ड द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। अब इन्होंने यहाँ पे ना मे वर्ड यूज किया है। अब बाकी एक्ट देख सकते हैं, कोड देख सकते हैं, वहां पे शेल वर्ड भी यूज किया जाता है। तो इसके अंदर उन्होंने मे वर्ड क्यों यूज किया है कि उन्होंने अपने पास फ्यूचर के लिए एक डिस्क्रिप्शन छोड़ दिया, अपने हाथ में एक पावर छोड़ दी कि वो चाहे तो इस एक्ट का नाम फ्यूचर में जाके चेंज भी कर सकते हैं। चेंज इन द सेंस, इसकी जुडिशियल बॉडी नहीं चेंज करेंगे, इसकी कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी नहीं चेंज करेंगे, बट नाम टाइटल में कुछ द हटा दिया, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ, द हटा दिया, एन लगा दिया, पार्टनरशिप एक्ट कर दिया, या कुछ भी उन्होंने चेंज करना हो, अमेंड करना हो, तो उन्होंने मे वर्ड यूज यहाँ पे किया हुआ है कि वो मे वर्ड से कुछ भी चीज जो है अपने हाथ में पावर दे दी कि वो टाइटल के अंदर कुछ भी चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं सब क्लॉज टू, सब सेक्शन 2 के अंदर। अब नेक्स्ट जो हमारे मेन सेक्शन की हेडिंग पे लिखा था एक्सटेंट, अब उसका हमें दिया हुआ है सब सेक्शन 2 के अंदर, वो पढ़िए, इस इट एक्सटेंड्स टू द होल ऑफ इंडिया। ठीक है, तो यहाँ पे एक्सेप्ट लिखा हुआ है, ये मैंने जान के नहीं हटाया है क्योंकि मेरा मेन मोटो ये था कि ये जो चीज है ये कौन सी डेट से, कौन से मंथ से, कौन से ईयर से हटा दी गई है वो आप जरूर नोट कीजिए। तो यहाँ पे हमारा ये जो चीज हटाई गई थी, ये हमारी जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 से हटा दी गई थी, ये आप चीज जरूर ध्यान रखिए। तो तब हटाने के बाद अब ये एक्ट जो है इट एक्सटेंड्स टू होल ऑफ इंडिया। ऑलराइट, अब जम्मू कश्मीर भी इसके अंदर इंक्लूड हो गया है, ये आपको चीज पता होगी। नेक्स्ट चलते हैं सबसेक्शन 3। अब यहाँ पे आप बहुत ही ध्यान से एक चीज नोट कीजिएगा, आप भी देख रहे होंगे, अपने बेरेक्ट में जरूर इसको मार्क कर लीजिए। सबसेक्शन 3 बोलता है, जनरली क्या होता है कि हमारे पास एक ही कमेंसमेंट डेट दी गई होती है, चाहे वो कभी भी शुरू किया गया हो, इनएक्टमेंट डेट, इन्फोर्समेंट डेट होती है जैसे इनएक्टमेंट डेट बोल देते हैं, और एक कमेंसमेंट डेट अलग अलग होती है। तो हर एक्ट की कमेंसमेंट डेट एक ही होती है, ठीक है। लेकिन इसके अंदर अगर आप सबसेक्शन 3 के अंदर देखेंगे तो इसके अंदर लिखा है इट शेल कम इनटू फोर्स ऑन द फर्स्ट डे ऑफ अक्टूबर 1932। मैंने अभी बेरेक्ट में से पढ़ा है, अब मैं आपको स्लाइड में से पढ़ के बता रहा हूँ, इट शेल कम इनटू फोर्स, शेल कम इनटू फोर्स ऑन फर्स्ट डे ऑफ अक्टूबर 1932, ये आपकी जनरल कमेंसमेंट डेट है। लेकिन अगर आप इसके आगे पढ़ेंगे एक्सेप्ट वर्ड यूज किया गया है, ये आप ध्यान से देखिए मैं मार्क कर रहा हूँ एक्सेप्ट। एक्सेप्ट में क्या उन्होंने करेक्ट डाला है, एक्सेप्ट में उन्होंने डाला है सेक्शन नंबर 69। ओ सॉरी ये ज्यादा ही डार्क हो गया, एक्सेप्ट के अंदर उन्होंने डाला है सेक्शन नंबर 69। सेक्शन नंबर 69 को क्यों उन्होंने एक साल के बाद एनफोर्स करवाया है, मेन बात यहाँ पे ये है, दो एनफोर्समेंट डेट होगी तो हम प्री में कौन सी डेट डालेंगे, तो प्री में अगर आपसे पूछा जाएगा पार्टनरशिप एक्ट कमेंसेस फ्रॉम, तो आपको वहां पे लिखना है फर्स्ट डे ऑफ अक्टूबर 1932, आपको 33 बिल्कुल नहीं करनी है, ये सिर्फ सेक्शन नंबर 69 के लिए डाली गई है।
तो प्री में अगर आपको पूछा गया है सेक्शन नंबर 69 कब एनफोर्स हुआ या फिर फर्स्ट डे ऑफ अक्टूबर 1933 को कौन सी चीज लागू हुई थी, वो हुई थी सेक्शन नंबर 69। मैं आपको इसके पीछे का क्रक्स बता देता हूँ कि ऐसा क्यों हुआ था। तो जनरली क्या होता है कि जब पार्टनरशिप एक्ट को बनाया गया था तो उस टाइम तक कुछ फर्म्स जो थी वो अनरजिस्टर्ड थी, ठीक है। तो अब उन्होंने इसके अंदर एक क्लॉज डालना था कि भाई अगर पार्टनरशिप के बीच में अगर कोई लड़ाई झगड़ा हो जाता है, पार्टनर्स की आपस में कुछ अनबन हो जाती है, ओपिनियन में डिसमैच हो जाता है, या फिर थर्ड पार्टी के साथ कोई लेन देन में, ट्रांजेक्शन में, बिजनेस में कुछ ऊपर नीचे कुछ बात हो जाती है, उनको ओपिनियन वहां पे भी डिसमैच हो जाते हैं, या फिर कुछ क्रेडिटर्स के साथ कुछ हो जाता है इंक्लूडिंग थर्ड पार्टीज जैसे कि मैंने अभी बोला, तो उसके लिए क्या हुआ कि जब अनरजिस्टर्ड चीजें होंगी तो कोर्ट उसको क्यों एंटरटेन करेगी। ऑलराइट, तो जब पार्टनरशिप को लेके आए तो अगर वो पार्टनरशिप में सेक्शन नंबर 69 दिया गया इफेक्ट ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन, क्या होगा कि अगर आपने रजिस्टर करवाते, तो हम आगे पढ़ेंगे। तो सेक्शन नंबर 69 उन्हें बना डाला, लेकिन अगर वो 69 को वहां पे ना डालते और सीधा मतलब ये डेट आपको टाइम ना देते सेक्शन नंबर 69 के लिए इफेक्ट ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन के लिए, और वो सारा ही एक्ट एक ही बार में एनफोर्स करवा देते, तो उसका असर क्या होता कि जो अनरजिस्टर्ड फॉर्म थी, रजिस्टर्ड को छोड़ दीजिए, जो अनरजिस्टर्ड फॉर्म थी उनका क्या होना था कि वो तो कोर्ट में जा ही नहीं पाते अगर उनके लिए बीच में कोई डिस्प्यूट अराइज हो जाता, वो कहाँ जाते। तो उस चीज को अवॉइड करने के लिए, उस हेम्परेंस को हटाने के लिए उन्होंने क्या किया कि ये वाले सेक्शन को 1 साल के लिए डिले कर दिया और टाइम दे दिया कि आपको जो भी अनरजिस्टर्ड फॉर्म है रजिस्टर्ड करवा लो, कंडीशन कि अगर आपको कोई भी सूट फाइल करना है, कोई भी डैमेज लेना है, कोई भी रेस्टोरेशन करवानी है, या कुछ भी आपको कोर्ट से लेना है, रेमेडी जो बन रही है वो लेने हैं, जो राइट्स आपके इन्फ्रिंज हो रहे हैं वो वहाँ कोर्ट से रिस्टोर करवाने हैं, तो उसमें क्या है कि 1 साल का टाइम दे दिया कि उस ड्यूरेशन के पैच में आप जो है अपनी फॉर्म को अगर बेनिफिट्स लेना चाहते हो तो रजिस्ट्रेशन करवा लो, इस एक्ट के बाद बनने के बाद से आप कोर्ट के अंदर तभी जा पाएंगे जब आपकी फॉर्म रजिस्टर्ड होगी, अनरजिस्टर्ड फॉर्म को कहीं पे भी एंटरटेन नहीं किया जाएगा। ऑलराइट, होप आपको सेक्शन नंबर 1 समझ आ गया हो और सबसे इंपॉर्टेंट सब सेक्शन 3 समझ आ गया हो कि ये वाला एक्ट जो है वो फर्स्ट डे ऑफ अक्टूबर 1932 को लागू हुआ था, लेकिन एक्सेप्ट सेक्शन नंबर 69 विच शेल कम इनटू फोर्स ऑन द फर्स्ट डे ऑफ अक्टूबर 1933। तो यहाँ पे एक सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड यहाँ पे भी मिस हो गया, ये है शेल। यहाँ पे भी आपसे पूछते हैं कि विच मे कम इंटू फोर्स और विच शेल कम इंटू फोर्स, तो इस चीज को भी आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। तो होप आपको सबसेक्शन 1 समझ आ गया होगा, और अपनी बैरेक्स में प्लीज मार्क करते जाइए, स्लाइड्स में सिर्फ मैं आपको एक डिस्प्ले के लिए दे रहा हूँ, मेरी वॉइस के ऊपर ध्यान रखिए और मैं बैरेक्स में क्या बता रहा हूँ वो मार्क आप करते जाइए, वही आपको प्रीम निकालने में हेल्प करेगा, और आगे जो जो मेन से क्वेश्चन बनते जाएंगे वो मैं आपको बताता जाऊंगा। चलो नेक्स्ट चलते हैं। तो नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट चीज हमें जो प्री में पूछी जाती है, क्या इंडियन पार्टनरशिप एक्ट इलस्ट्रेटिव है या एग्जॉस्टिव है। तो ये एक्ट जो है ना ये खुद ही हमें बताता है कि मैं इलस्ट्रेटिव हूं या एग्जॉस्टिव हूं। कुछ सेक्शंस इसके अंदर दिए गए हैं वो मैं आपको समझा देता हूं कि हम इसको कैसे प्रूव करेंगे कि ये इलस्ट्रेटिव है। देखिए जो पार्टनरशिप एक्ट है, जैसे मैंने अभी बोला, दिस इज ए इलस्ट्रेटिव इन नेचर, ठीक है। अब इसको प्रूफ कैसे किया जाएगा, तो आप सबसे पहले सेक्शन नंबर 2E देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ, आप भी अपने खोल लीजिए 2E। होप आप सबने 2E खोल लिया होगा। तो 2E के अंदर जब आप देखते हैं, इसमें मैंने ई मिस हो गया यहाँ पे लिखना, ये लास्ट वाला मेरे ख्याल कट गया है, या जैसे भी है आप अपने ब्रैकेट में खोलिए, इसमें वर्ड यूज किया गया है, मैं आपको इलस्ट्रेटिव कैसे है वो समझा रहा हूँ, और लिंकिंग देखिए मैं कहाँ से कहाँ करूंगा, ये आप पेन डाउन करते जाइए, प्लीज ये मत मिस कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, मैं आपको बहुत ही एक नेचुरल वे में समझा रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, मैं कोई कोई भी फॉर्मेलिटीज नहीं कर रहा, जैसे एक नॉर्मल इंसिडेंशियल पढ़ाना चाहिए वही मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ताकि आपके माइंड में चीजें स्टिक हो जाए, ठीक है। कुछ भी अगर सराउंडिंग से कुछ भी आपको वॉइस आ रही हो, या कुछ मैं कहीं पे कुछ फंबल कर रहा हूँ, तो वो समझ लेना कि मैं कुछ ढूंढने के लिए टाइम दे रहा हूँ, लेकिन आपको मैं प्रॉपर समझा के जाऊंगा मैं जो भी चीज समझाने आया हूँ। तो आप इसका सबसे पहले सेक्शन नंबर 2E देखिए, जो सेक्शन नंबर 2 है वो बात करता है डेफिनेशंस की, उसका 2E देखिए, ये बात करता है एक्सप्रेशन यूज्ड बट नॉट डिफाइंड इन दिस एक्ट,
अगर कोई ऐसा एक्सप्रेशन है जो इस एक्ट के अंदर यूज तो किया गया है बट उसको डिफाइन नहीं किया गया, लेकिन एंड एंड किया बताया गया और डिफाइंड इन द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। ये जो एंड है जो यहाँ पे ये आप स्लाइड में भी देखिए जो एंड है इसको आप ऐसा प्लस यूज कीजिए, डिफाइंड इन द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। लेकिन वो जो एक्सप्रेशन है जो इस कॉन्ट्रैक्ट इस एक्ट के अंदर नहीं समझाया गया, नहीं डिफाइन किया गया बट यूज किया गया है, लेकिन वो वाला एक्सप्रेशन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर डिफाइन किया गया है, देन इट शेल हैव द मीनिंग असाइन टू देम इन दैट एक्ट। जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर उस एक्सप्रेशन का मीनिंग दिया गया है उसको हम यहाँ पे एज इट इज यूज कर सकते हैं। होप आपको ये चीज समझ आई हो। सेक्शन नंबर 2E में बात करते हैं, जनरली अगर शुद्ध भाषा में आपको बताऊं, कोई भी ऐसी चीज जो इस एक्ट के अंदर यूज तो की गई है लेकिन उसको डिफाइन नहीं किया गया। अब जब इसके अंदर यूज की गई है डिफाइन नहीं किया गया तो कहीं से उसका मतलब समझेंगे हम। तो ऐसी कोई चीज, ऐसा कोई एक्सप्रेशन जो यहाँ यूज किया गया है लेकिन कॉन्ट्रैक्ट के अंदर डिफाइन किया गया है, तो हम उसको वहां से एज इट इज उठा के हम इसको पार्टनरशिप एक्ट के अंदर ले सकते हैं, समझ सकते हैं। होप आपको ये चीज समझ आई हो कि ये इलस्ट्रेटिव कैसे है। क्यों? क्योंकि अपने आप में कंप्लीट नहीं हो रहा, उसको वहां से किसी और चीज की हेल्प लेनी पड़ रही है। एक तो हमें यहीं से पता लग गया। एक आप मैं आपको एक और चीज दिखा देता हूँ। अब आप देखिए सेक्शन नंबर 3। सेक्शन नंबर 3 बात क्या करता है? एप्लीकेशन ऑफ प्रोविजंस ऑफ एक्ट 9 ऑफ 1872। एक्ट 9 कौन सा? 1872 का कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। होप आपको ये चीज पता हो। अब इसका ये जो बॉडी है सेक्शन नंबर 3 की वो देखिए, ये बात करता है द अनरिपील्ड प्रोविजंस ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। अब ये जो कोमा है ना इसको आप थोड़ी देर के लिए हटा दीजिए, नेक्स्ट कोमे से स्टार्ट करिए जहां से मैं मार्क कर रहा हूँ, शेल कंटिन्यू टू अप्लाई टू फर्म्स। ये जो मैंने मार्क किया है सेगमेंट इसको देखिए कि जो अनरिपील्ड प्रोविजंस हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की वो अप्लाई होगी पार्टनरशिप फर्म्स के एक्ट के ऊपर, बट उन्होंने एक सेव दे दिया। सेव को हम ऐसे यहाँ पे क्या पढ़ते हैं, एक्सेप्शन में। यहाँ पे आप बेरेक्ट में मार्क कर लीजिए एक्सेप्ट, यहाँ पे एक प्रोविजो एक्सेप्शन डाल दी कि इन सो फार एज दे आर इनकंसिस्टेंट विद द एक्सप्रेस प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट। जब वो कोई भी प्रोविजन जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की कोई भी प्रोविजन है वो जब तक इस एक्ट की इनकंसिस्टेंसी में नहीं है, मैं क्या वर्ड यूज कर रहा हूँ आप ध्यान से सुनिए, कोई भी प्रोविजन ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 की कोई भी प्रोविजन जब तक इस एक्ट की इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के इनकंसिस्टेंस में नहीं है तब तक वो यूज कर सकते हैं हम उसको, वो अप्लाई होंगी, शेल अप्लाई इन द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। बट इफ दे आर इनकंसिस्टेंट विद द एक्सप्रेस प्रोविजन ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट तब वो इस कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की प्रोविजंस इस एक्ट के ऊपर बिल्कुल नहीं लगेगी। होप आपको ये चीज समझ आ गई हो। तो ये चीज भी हमें क्या दिखा रही है सेक्शन नंबर 3 से कि ये जो एक्ट है ये क्या है, ये इलस्ट्रेटिव एक्ट है। होप आपको ये चीज समझ आई हो। आप नोट करते जाइए, प्लस लगाते जाइए, इसको एक फॉर्मूला बना लीजिए इलस्ट्रेटिव कैसे है। सेक्शन नंबर 2E प्लस सेक्शन नंबर 3। अब मैं आपको इसका एक और एग्जाम्पल दे देता हूँ। अब आप जो है अपने सेक्शन का वो अपने एक्ट का 74F खोल लीजिए। मैं आपको अपने बैरेक्ट से बता रहा हूँ, स्लाइड में बहुत टाइम लग जाएगा जाने में। आप फटाफट से अपना 74F खोल लीजिए और उसके साथ इसको रीड भी करिए और समझिए क्या लिखा है। होप आप सबने खोल लिया होगा, मैं पढ़ने जा रहा हूँ। एनी रूल ऑफ लॉ नॉट इनकंसिस्टेंट विद दिस एक्ट। कोई भी रूल ऑफ लॉ जो इस एक्ट के इनकंसिस्टेंट है, वही चीज हमने सेक्शन 3 में भी एक चीज हमने देखी है इलस्ट्रेटिव। एंड सेक्शन 74E सॉरी F क्या बताता है कि इंस्टेंस बता रहा है शोइंग दैट दिस एक्ट इज इलस्ट्रेटिव इन नेचर। होप आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी कि इलस्ट्रेटिव कहाँ कहाँ से है। तो आप इसकी लिंकेज बना लीजिए। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, सेक्शन नंबर 2E, फिर हमने पढ़ा सेक्शन नंबर 3, फिर हमने पढ़ा सेक्शन नंबर 74F। यहाँ से हमें क्लियर हो गया कि ये जो एक्ट है ये इलस्ट्रेटिव इन नेचर है। होप आपको ये चीज समझ आ गई होगी। अब हम आगे चलते हैं।